सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे. सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल. और कैसे हैं आप सब? सो गाइस, हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ ली. और अगर आपके टीचर्स से आप अगर ये एप्लीकेशन पढ़ते हो, तो हो सकता है 60-40% आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने तीन ही एप्लीकेशन पढ़ाई हो. गाइस, होती भी तीन ही है. जो ये फोर्थ एप्लीकेशन है, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर मिलेगी. और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंसुलेटिंग स्फेयर. हमने कंडक्टिंग स्फेयर पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि जो भी सारा चार्ज होता है कंडक्टर का, वो सारा का सारा स्फेयर पे या कहूँ सरफेस पर ही रहता है. सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर रहता है. लेकिन ऐसा इंसुलेटर में नहीं है. जब अगर आप इंसुलेटर में को चार्ज देते हो, तो इंसुलेटर में सारा चार्ज यूनिफॉर्मली बँटता है. चार्ज अंदर भी होगा. अगर आप ये स्फेयर देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने बना रखा है ये स्फेयर, इसमें चार्ज सरफेस पर नहीं है, चार्ज थ्रू आउट बँटा हुआ है. पूरा अंदर तक चार्ज डिवाइडेड है, ठीक है. तो अब जब आप इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज तो अंदर है ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. अब कुछ ना कुछ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. और चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इनसाइड द सरफेस, या इनसाइड कहूँ गॉसियन सरफेस के अंदर. और जो हार्ड है ना, बस हार्ड तो नहीं है, जो थोड़ा सा टिपिकल है, वो बस अंदर के लिए निकालना है. क्योंकि बाहर के ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस और आउटसाइड पॉइंट, जो बाहर ये निकालते हैं, ये वाले पॉइंट के लिए तो उसी तरह है जिस तरह कंडक्टर के लिए करा है. क्योंकि सरफेस पर भी वही चार्ज होगा जितना कंडक्टर पे होगा, बाहर भी वही बाहर तो चार्ज है सारा ही होगा. बाहर तो बाहर के हिसाब से तो सारा ही चार्ज है ना. सरफेस के हिसाब से क्या लोगे, आपके सरफेस के हिसाब से आपका गॉसियन सरफेस क्या है, उतना चार्ज जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर है. इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो क्यों ही चार्ज है. लेकिन जब आप इस अंदर वाले के लिए बात करते हो, इस अंदर वाले के लिए, तो इसमें चार्ज क्यों नहीं है. अब इसमें चार्ज क्यू डैश होगा, इसमें चार्ज क्यू डैश होगा, ठीक है. क्यू डैश मतलब पूरा नहीं होगा. अगर मैं इसके लिए बात करूँ, इस पॉइंट के लिए, तो इसके लिए भी पूरा ही चार्ज है. इसके लिए जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हो ऐसा, तो उसके लिए भी तो पूरा ही क्यू चार्ज आ जाएगा अंदर, ठीक है. ये क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हम आपको पढ़ाते समय कर देंगे. सो एज एन इंसुलेटर चार्ज इज थ्रू आउट द वॉल्यूम, एस इज एन इंसुलेटिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर. जो एस है मेरा इंसुलेटिंग स्फेयर है, जिसकी रेडियस आर कही है. और एंड नेट चार्ज क्यू, नेट चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इन द होल वॉल्यूम. आप देख पा रहे हो वॉल्यूम का जिक्र आया है. तो जो अब आप चार्ज डेंसिटी लेओगे, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी. और वो कैसी होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. अब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³. मैं आपको बता दूँ वॉल्यूम जो होगा इसका स्फेयर का, वो कितना होता है, 4/3 πr³, ठीक है गाइस. ये याद रखना, जो सर्फ वॉल्यूम है वो 4/3 πr³ होगा. अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो हार्ड है वो निकाल लो भैया. इंटरनल पॉइंट के लिए बता दो. तो इंटरनल पॉइंट के लिए मुझे निकालनी है आर डिस्टेंस. ये छोटा आर जो है, इसके लिए निकालनी है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा आर डिस्टेंस तक, ओ से आर. तो ओ आर जो है मेरा, ओ पी जो है वो मेरा आर है, स्मॉल आर, जो कि क्या है, बड़े आर से छोटा है, बड़े आर से छोटा है. सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, या मैं कहूँ गॉस थ्योरम के अनुसार होगा आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए. इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए किसके बराबर हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब भैया क्यू डैश क्यों लिखा, नाउ क्यू इज़ द टोटल चार्ज इनसाइड एन इंसुलेटिंग स्फेयर, वी वांट क्यू डैश, क्योंकि हमें क्यू डैश चाहिए, द चार्ज एनक्लोज इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर. हमें इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो चाहिए, इस स्फेयर के अंदर. हमें इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो नहीं चाहिए. जो बड़े वाले स्फेयर के अंदर चार्ज है वो कितना है, क्यू. जो छोटे वाले स्फेयर के अंदर चार्ज है वो है क्यू डैश. तो अब क्यू डैश निकालेंगे. और क्यू डैश भाई, जो बच्चे याद करते हैं उन्हें भी मैं बता दूँ, याद कर लेना. जो नहीं करते उन्हें मैं बताऊँ भाई, जो ये हमने रो लिया ना, वो है कि हमारा पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह चार्ज डिवाइडेड है. मान लो मेरा ये एक वॉल्यूम है, तो इसमें कितना चार्ज है वही तो हमने निकालना है, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. तो हम यहाँ जिसका फायदा, या फिर मैं कहूँ जिसकी सहायता लेंगे, वो है हमारा
रो, ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ क्यू डैश इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस जिसकी हमने वॉल्यूम लिख रखी है। वॉल्यूम क्या है गॉसियन सरफेस की, 4/3 πr³। ठीक है, तो यार यहाँ r और r में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो मैं ये कहूँगा r और r को अगर आप ये नहीं मानना चाहते तो आप कुछ और मान लो। ठीक है, आप x मान सकते हो रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। सो अब होगा क्या, क्यू डैश हमारा आ जाएगा 4/3 πr³ रो। ऐसा क्यों, हमें निकालना इस वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, हमें वॉल्यूम पता चल गया, इस चार्ज में वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन हमें ये तो पता चले कि एक वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है। याद करो जब हम कहते थे कि 60 बच्चों के पास 100 रुपये हैं, अगर मैं कहूँ तो 50 बच्चों पे कितने रुपए होंगे, वो कैसे निकालते हो आप। 60 बच्चों पे 100 रुपये हैं तो 50 बच्चों पे किस तरह निकालोगे, पहले आप क्या करोगे 60/100 करोगे, एक बच्चे के लिए निकाल लोगे। ठीक है, 60/100/60 करके एक बच्चे के लिए निकाल लोगे, फिर आप उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 50 बच्चों के लिए पैसे आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ये ही कर रहे हैं हम गाइस, ये ही करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके लिए आपको कुछ अमाउंट में दे दिया कि भाई 40 के पास ये है, तो आप पहले एक के लिए निकाल लो, और जब एक के लिए आ गया तो भाई चाहे 700 के लिए निकलवा ले, चाहे 7000 के लिए, मल्टीप्लाई तो करनी है, और यही हमने करा है। क्यू डैश क्या है, 4/4/3 πr³, हमें बता दिया कि इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज निकालो, और एक वॉल्यूम के लिए, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज क्या है ये। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यार। ठीक है, तो ये हमने जब मल्टीप्लाई करा, क्यू डैश इक्वल्स 4/3 πr³ इंटू क्यू 4/3 πr³। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, यानी कि वो अंदर कितना चार्ज है, ये आ जाएगा qr³ मैं कहूँगा। अगर जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ देखते चलो, वरना ये लगेगा r³ से r³ क्यों नहीं कटा, ये कैपिटल r³ है, ये स्मॉल r³ है। ठीक है, qr³ / r³। ठीक है, अब ये फिर से मैंने मान लिया है कि जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो EdA cos 0 होगा। अब मैंने फिर कहा था ये जो है मेरा स्फेयर है, इसमें जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ से बाहर निकल रही है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड्स भेजता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसलिए जो कॉस के साथ एंगल बन रहा है वो स्फेयर के टर्म्स में 0 ही लिया जाता है। ठीक है, इसे मिटाऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा। तो EdA cos 0, और उसे मैंने लिख लिया qr³ / εr³। अब E into 4πr² मेरा जो एरिया है वो कितना है, 4πr² इक्वल्स qr³ / εr³। जब मैं इसे फर्दर लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा E equals 1/4πε₀ qr³ / r³ into r² जिसे फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4πε₀ qr³ qr³। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, या मैं कहूँ इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 0 ही होती है। ठीक है, अब सेंटर पे बताओ यार, सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे बताना तो बहुत आसान है, सेंटर मतलब आर हमारा 0, सेंटर के लिए आर 0, सेंटर के लिए आर 0 करो, ये 0 करो, जैसे ही इसे 0 करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0, तो सेंटर पे तो अभी भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, चाहे इंसुलेटिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो। ठीक है, अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए तो वो तो फिर चाहे कंडक्टर के लिए निकाल लो चाहे इंसुलेटर के लिए निकाल लो सेम ही आएगी E.dA/q/ε₀। अब यहाँ पे जो चार्ज q लिया है वो टोटल चार्ज लिया है, वो टोटल चार्ज q इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से अंदर तो वो सारा ही चार्ज है ना, जितना चार्ज हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अंदर तो सारा ही चार्ज है। ठीक है, q/ε₀ जब आप करोगे E:dA equals q/ε₀। ठीक है,
अगर वो मैं करता हूँ तो आ जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने कंडक्टिंग स्फेयर के लिए निकाला था, सेम फॉर ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस के लिए क्या करो, इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से कन्वर्ट कर दो, ठीक है, चेंज कर दो और वही आप डालोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में इम्पॉर्टेंट है ई आर कर्व देख लो। ई आर कर्व के लिए मेरा ये ई है एक्स वाई एक्सेस पर, ई है मेरा वाई एक्सेस पर, ठीक है, आर है मेरा एक्स एक्सेस पर। जब मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो ऐसा कुछ आएगा। अब इनसाइड आप देख पा रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, सिर्फ सेंटर पर ज़ीरो है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बढ़ेगी, फिर सरफेस पे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, ठीक है। ये कैसे बनाया, ये एक्सप्रेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जब आप एक्सप्रेशन देखते हो तो अपना आप ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जब मेरा आर छोटा है बड़े आर से, मतलब वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ इनसाइड द सरफेस, ठीक है। जब मेरा आर बिल्कुल बराबर है कैपिटल आर के लिए तो वो है मेरा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। फिर से देखिए, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम अगेन, ठीक है। और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के लिए तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से घटेगी। तो इसी के साथ गाइस हमारा पूरा हो गया है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। आई होप से आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट पूछ लीजिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे कोई क्वेश्चन भेजना है तो आप मेरी मेल पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक भी गिवन है, आप उस पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। हो सके तो यार इंस्टा पे भेजना, फेसबुक में चलाता नहीं ज़्यादा, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ ये लेक्चर होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन मतलब करा दूंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस अपना ध्यान रखिए, और साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखने के साथ साथ औरों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।